So today in this video, we are going to paint this beautiful tray. So let's get started. So for this DIY, I'm taking this simple white tray and मैं इस पर लगा रही हूँ POP and Fevicol का mixture. तो हमें ये लेना है 2:1 के ratio में, means अगर हम 2 स्पून POP ले रहे हैं तो हमें 1 स्पून Fevicol लेना है. एंड कंसिस्टेंसी हमें इसकी ऐसे ही रखनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें वाटर मिला सकते हैं. एंड हम इसे पूरी ट्रे पे स्पंज की हेल्प से इस तरह से लगाएंगे इसे एक बेस देने के लिए, जिससे जब हम इस पर कलर करें तो वो कलर अच्छे से इस पर लग जाए एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ट्रे का बेस अब रेडी है, अब मैं इसे रात भर के लिए सूखने के लिए रखूंगी एंड नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट पेंटिंग दिस. द नेक्स्ट डे सो मेरे पास एक ये रैपिंग पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं. इसके बाद मैं इस पे वाटर स्प्रिंकल कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मेरी ट्रे पे आसानी से चिपक जाए. तो मैं अभी यहाँ पे ट्रे पे फेविकॉल लगाऊंगी एंड मैं फिर वो पेपर इस पे लगा दूंगी जिससे मैं जब उसे निकालूं तो वो इजीली निकल जाए. अच्छा, अब मैं ये प्रोसेस यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे इस ट्रे को एक बॉर्डर देना है एंड मैं नहीं चाहती कि अननोइंगली और अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई भी कलर इस ट्रे के बीच में आए. तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेपर इस तरह से लगा रही हूँ कि मैं इसे बाद में हटा दूंगी एंड बीच में मैं अपना दूसरा डिज़ाइन जो मैंने सोचा है वो मैं पेंट कर दूँगी. अब इसका बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसका बॉर्डर क्रिएट करूँगी अकॉर्डिंग टू माय चॉइस ऑफ कलर्स. आप कोई भी कलर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. सो ट्रे का बॉर्डर अभी रेडी हो चुका है, अब मैं ये पेपर को मैंने हटा दिया है एंड बीच वाले पोर्शन को मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है. एंड अब मैं पेंसिल की हेल्प से वाटरमेलन का स्केच बना रही हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं इसे कलर कर दूंगी. तो ट्रे को कलर करने के बाद मैं इसे रात भर सूखने के लिए रखूंगी एंड मैं इसके बाद दूसरे दिन इस पर इस तरह से फेविकॉल लगाऊंगी, क्योंकि फेविकॉल लगाने से कलर में थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, मेरी ट्रे शाइन करेगी. एंड हम किचन में भी ये ट्रे यूज़ करेंगे तो अगर इस पर पानी पड़ता है तो कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा. तो फेविकॉल लगाने के बाद मैं उसे एक रात के लिए सूखने के लिए रखूंगी. नेक्स्ट डे मैं इस पर वॉर्निश लगा रही हूँ एंड इसे थोड़ी देर के लिए मैं धूप में रखूंगी, अराउंड 5 to 10 minutes. एंड एक दिन के लिए मैं इसे पूरा दिन सूखने दूंगी जिससे कि वॉर्निश एकदम अच्छे से सूख जाए. एंड अब इस पर अगर पानी पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा, तो ये कलर कहीं भी नहीं जाएगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है.